पेशेंट मेडिसेवा केंद्र पे आता है तो उस सेंटर का जो ओनर है जिसे मेडिप्रेनोर कहते हैं, ये पेशेंट से पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कब कहाँ कैसे क्यों क्यों नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब चीज की जानकारी लेने के बाद एक उचित डॉक्टर के साथ उचित अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन पे होता है, उसी के बाद वहाँ पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है प्रिंटेड और इनवॉइसिंग हो जाती है। तो ये अभी मुझे बताइए, 3-4 लाख का रेवेन्यू एक तरफ और 20 करोड़ का वैल्यूएशन एक तरफ, ये कैसे मैं अभी क्या फॉर्मूला लगाऊं इसमें? सर मैं बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू ड्रीम्स, दैट्स द मल्टीपल, नो एंड देन देयर इज अ प्राइस टू डू मिस्टेक्स आल्सो बिकॉज़ इन्होंने काफी, यू विल बेयर दैट ट्रायल एंड एरर, यू विल बेयर दैट प्राइस टू मिस्टेक्स। मैं क्यों बेयर करूं, यही मेरा क्वेश्चन है, हमारा प्राइस टू ड्रीम एंटरप्रेन्योर का। आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट, आई एम इंटरेस्टेड, but I'm definitely not interested at this valuation. आपके लिए एक डील बन सकती है। तो ये खिचड़ी जो पक रही है तो उसमें मैं fear of missing out ना रह जाए। मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा ऑफर, ज़्यादा अच्छा ऑफर मोहित दे रहे हैं। I would never take that deal. If I was you, I would never take that. This is none of your business. I'm giving an offer. जानते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी के लिए मात्र 50 सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, और ग्रामीण हिस्सों की अगर बात करें तो यहां संख्या और भी कम हो जाती है। रूरल इंडिया की इस तकलीफ को दूर करने और मरीजों की सेवा के उद्देश्य से ही बना है हमारा स्टार्टअप। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर विशेष एंड रजिता। नमस्ते, मैं हूं रचिता कासलीवाल और ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर विशेष कासलीवाल। हम दोनों मेडिसेवा के को-फाउंडर्स हैं और इंदौर शहर से आए हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के बाशा गांव में अजीत सिंह को एक सांप ने काट लिया। तुरंत ही उनके दोस्तों और परिजनों ने उन्हें कुछ जड़ी बूटी दी, फिर एक नीम हकीम के पास ले गए जिन्होंने सलाइन की बॉटल चढ़ा दी। उनकी तबीयत खराब होती रही और अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में एक माधवराव जी रहते हैं, उनको एक दिन पेट में काफी दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के कारण उन्होंने वहाँ के एक लोकल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि लाल पीली हरी नीली गोली है, ये खा लो, 3 दिन में तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। 3 दिन वो गोली खाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। कुछ उपाय ना होने के कारण उन्हें शहर जाना पड़ा, जहाँ पे आने जाने खाने पीने रहने करने में उनका काफी फिजूल खर्च हुआ। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। और इसी सच्चाई से रूबरू होने का मौका मुझे भी मिला कोविड पैंडेमिक के दौरान, जब मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल के माध्यम से परामर्श दिया। उसी एक परामर्श में मेरी एक दिन एक बात गांव वाले से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि गांव की स्थिति शहर की स्थिति से बहुत ज़्यादा अलग है। ना ही वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं परामर्श देने के लिए, और ना ही वो लोग शहर आ पा रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तभी मेडिसेवा की शुरुआत हुई, जो रूरल पेशेंट्स को फिजिटल सेंटर्स द्वारा अर्बन डॉक्टर्स से कनेक्ट करता है। फिजिटल सेंटर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक आइडियल मिक्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से शहर बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अच्छी सर्विसेज गांव बैठे लोग प्राप्त कर सकते हैं, और ऑफलाइन सेंटर एक लोकल परिचित व्यक्ति के चलाने से उनका भरोसा और बढ़ जाता है। जब एक पेशेंट मेडिसेवा केंद्र पे आता है तो उस सेंटर का जो ओनर है जिसे हम मेडिप्रेनोर कहते हैं, वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट के वाइटल पैरामीटर की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये रिकॉर्डिंग एक डिवाइस से करी जाती है जहाँ पे सिर्फ अपनी एक फिंगर टच पे सारे बॉडी वाइटल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसी के बाद पेशेंट की बात एक जूनियर डॉक्टर से कराई जाती है फ़ोन कॉल के माध्यम से। ये पेशेंट से पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कब कहाँ कैसे क्यों क्यों नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब चीज़ की जानकारी लेने के बाद एक उचित डॉक्टर के साथ उचित अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन पे होता है, उसी के बाद वहाँ पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है प्रिंटेड और इनवॉइसिंग हो जाती है। मेडिसेवा की टीम पेशेंट को 3rd दिन फिर से कॉल बैक करती है और ये पूछती है कि पेशेंट की तबीयत अभी कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, उसे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, या उसे और मेडिसेवा की कोई और सेवा की ज़रूरत है। ये 2-स्टेप प्रोसेस और फीडबैक मैकेनिज्म मेडिसेवा के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं तो हमारी टाई अप करी हुई लेबोरेटरी से कोई टेक्नीशियन आके पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेके जाता है।
जुलाई 2021 में हमने दो सेंटर्स लॉन्च किए, हाट पिपलिया और सोनकच्छ में, जो इंदौर के पास दो गांव हैं। 6-7 महीने के रन के दौरान अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हमने बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस किए। कम से कम समय में और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए हमने फ्रेंचाइजिंग मेथड को अडॉप्ट किया। जनवरी 2022 में हमने 3 फार्मेसीज को फ्रेंचाइजी दी। फाइनली हमने एक ऐसे चैनल पार्टनर के साथ टाई अप किया जिनका प्रेजेंस ऑलरेडी रूरल मार्केट में है। उनके बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कियोस्क्स हैं और ई गवर्नेंस सेंटर्स हैं। मेडी सेवा का इस कंपनी के साथ 50,000 मेडी सेवा केंद्र खोलने का अग्रीमेंट हुआ है। आज हमारे 10 सेंटर्स हैं जिनमें हमने 1800 से ज़्यादा कंसल्टेशंस दिए हैं और 800,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। सो हॉर्सेस, आज हम आपके सामने 1.15 करोड़ रुपीज रेज करने आए हैं इन एक्सचेंज ऑफ 5% ऑफ आवर इक्विटी एंड इन एडिशन टू योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आपने जैसे बोला था, आपने बराबर 50-50 पिच की, लेकिन घर में ज़्यादा कौन बोलता है और ज़्यादा कौन सुनता है? बोलता मैं ज़्यादा हूँ, सुनता भी मैं ही ज़्यादा हूँ। बोलने की वजह से ज़्यादा सुनना पड़ता है। Exactly. और आपकी आपस में क्या इक्विटी स्प्लिट है? इनके पास 51% है, मेरे पास 32% है। मैं पहले तो ताली बजाना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% है, पर मैं जानना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% क्यों है। इन्होंने मना कर दिया था कि अगर मुझे इतनी इक्विटी नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। नहीं, जोक अपार्ट, बनता है उनका बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर तो आप हो ना, वो नहीं है। बट डॉक्टर का काम इसमें कम है, बाकी काम बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। आपका आपका क्या काम है, मतलब बिटवीन बोथ ऑफ यू व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी? लुकिंग आफ्टर मार्केटिंग एंड एचआर। ओके, सो इनिशियली मार्केटिंग के लिए हमने बहुत सारे हेल्थ कैंप्स, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस जिन टाउन्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ वहाँ पे हमने कंडक्ट किए एंड अदर एक्टिविटीज। या सो आपने कहा कि आपने सेंटर्स के बारे में प्लीज बताइएगा आपका क्या कंपटीशन है? सो हमारे बहुत इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट वंस फर्स्ट। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी, कुछ कंपनीज हैं जो फिजिटल सेंटर्स द्वारा कंसल्टेशन दे रही है गांव में, फिर भी हम उनसे अलग हैं। सबसे पहले जो हमने आपको मॉडल बताया फ्रेंचाइजी मॉडल, उससे हमको ये बेनिफिट है कि हमको एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी को सर्च करके अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। वी आर फोकसिंग ऑन अ कोर विच इज़ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, तो सेंटर और कोई और खोल रहा है। प्लस जो दूसरे सेंटर्स खोल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन होता है कि डॉक्टर, या तो क्लिनिक पर डॉक्टर बैठ रहा है या नर्स बैठ रही है, वो ई क्लिनिक बोलते हैं। हमारे केस में जो क्लिनिक पर बैठ रहा है, जो मेडिप्रेनोर है, उसको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। उनको बेसिक पढ़ाई 12th पास आना चाहिए जिनसे वो कंप्यूटर और फ़ोन चला सकते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं, तो इससे भी हमारा अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है। फ्रेंचाइजी फी इज़ वेरी लो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो इन आर केस, एंड एज आई सेड हमारे कॉम्पिटिटर्स से अलग कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे 2-step कंसल्टेशन प्रोसेस, जिससे पहले जूनियर डॉक्टर कंसल्ट करता है फिर स्पेशलिस्ट। उससे क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वी नो दैट दे आर कंस्ट्रेंड फॉर टाइम, तो उनका बहुत सारा काम हिस्ट्री लेना वगैरह पहले हो चुका है, तो उनको अपना प्रेशियस टाइम सेव करते हैं वो। डॉक्टर साहब, मेरा एक मेरे कुछ प्रश्न है। जो एक्सपेक्टेशन होना था टेली कंसल्टेशन में, लास्ट 2.5 साल में काफ़ी सारा हो गया, और जो अडॉप्शन था ऑलमोस्ट सब, हर डॉक्टर ने 300-500 पेशेंट देखे ही हैं कोविड के समय, बिल्कुल, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होए या जूम कॉल पर होए या वेबएक्स पर होए। तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वाला कर्व काफ़ी एक्सपीडिएट हो गया मेरे अंदाजे से। सेकेंड है, यू हैव सेंटर्स लाइक वक्रंगी के सेंटर्स हैं, वक्रंगी के ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार सेंटर्स हैं, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के सेंटर्स हैं नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल वाले साइड, तो क्या इनमें से कोई आपने एक ऐसा बड़ा सेंटर के साथ टाइप किया जहाँ पर आप फिजिटल या ओमनी चैनल O2O जो कर रहे हैं? वक्रांगी हुआ या श्रेय हुआ या अलंकृत हुआ या अर्थ रूरल हुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो ई गवर्नेंस या बैंकिंग करस्पॉन्डेंस में ऑलरेडी काम कर रही है। इसी के लिए टू स्टार्ट विथ वी टाइड अप विथ अ कंपनी NICT, इनके कुछ अराउंड 20,000-25,000-40,000 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया बैंकिंग करस्पॉन्डेंस और ई गवर्नेंस के। इसी के साथ वी टाइड अप विथ अ कंपनी नोन एज ISECT। सो ISECT इज अ यूनिवर्सिटी, इनके काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। एक्सक्लूसिव टाइप्स हैं? एक्सक्लूसिव टाइप्स हैं, दोनों का पार्टीज़ के साथ एक्सक्लूसिव टाइप्स हैं। और ISECT के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, इनके साथ मैंने 10,000 सेंटर्स खोलने का टाइप ऑलरेडी कर दिया। दीज आर टू एक्सक्लूसिव टाइप्स। मोहित ने एक बात कही कि बहुत मैच्योर हो गया है मार्केट, बट सैचुरेट हो गया है मार्केट, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ। ये नहीं कहा सैचुरेट हुआ है जी,
डोंट चेंज माय वर्ड्स. जी मैंने सिर्फ कहा एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व मैच्योर हुआ है. मैंने सैचुरेशन ऑफ द मार्केट ये हां आई फील कि मार्केट इतना बड़ा है कि मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, हम लोग रूरल फोकस्ड है, हमारा मार्केट हमको रूरल में करना है. मुझे एक बात आपकी और बहुत अच्छी लगी, मैं सबके सामने हाईलाइट करूंगी उस बात को कि आप जो गांव का युवा है उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. करेक्ट, जो एक सबसे बड़ा हाईलाइट हाई पॉइंट लगा मुझे आपकी पिच में. और उसके साथ साथ विमेन को भी हम प्रमोट करें. तो आपने जो टाइप्स किए हैं, आप बोल रहे हो 50,000 सेंटर आपको मिल जाएंगे इससे, तो क्या यहाँ भी यही मॉडल फॉलो होगा? दो चीज़ें हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्पेस है या उनके पास उतनी फैसिलिटी है, क्योंकि हम लोगों का एक वो था कि जो VLE उसको पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो पैसा खर्चा करेगा तो फिर बोलेगा कि मेरा रिटर्न इतना आएगा नहीं, मैं नहीं करूंगा. उन लोगों का एक बेसिक माइंडसेट होता है. इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि टू फाइंड दोस काइंड ऑफ पीपल जिनका हार्डवेयर ऑलरेडी है, एक स्पेस है, इंटरनेट कनेक्शन है, बस दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए विद 12th पास. बट देन वी आर ऑल्सो ओपन टू अदर्स जो अभी जैसे आप बोल रहे हैं युवा हैं, अभी कॉलेज से निकले हैं और उनको शहर नहीं आना पड़े कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट में वो अपना सेंटर खोल सकते हैं. तो नया सेंटर के लिए भी हम ओपन हैं. आपने बोला कुछ पैसों में वो अपना सेंटर खोल सकता है, मतलब फ्रेंचाइजी की डिटेल्स बता सकते हैं कि ब्रेक इवन कितना होगा और क्या क्या जो सारे युवक देख रहे हैं ये शो और अगर वो चाहते हैं कि एक एडिशनल रेवेन्यू बने तो उनके लिए आप बताइए कि कैसे और बनेगा. बिल्कुल. सो अभी हम लोग 1800 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, 1500 रुपीज जिसमें हमारा रहता है और 300 NICT जो हमारा चैनल पार्टनर है. सो दे आर चार्जिंग 1800 प्लस GST इज द टोटल फ्रेंचाइजी फीस. एज अ युवक मेरी आमदनी क्या होगी? हाँ. आपका बेस्ट सेंटर जो है उसमें एक जो आदमी सेंटर चला रहा है या फ्रेंचाइज पार्टनर है उसने पिछले महीने में कितना पैसा बनाया? ऑन ए सेंटर एवरेज अगर 6 से 7 पेशेंट आते हैं सो महीने का 15,000 से 17,000 रुपए का वो रेवेन्यू जनरेशन करेगा. तो आपका एवरेज रियलाइजेशन पर पेशेंट 100-150 रुपए है? नहीं, हमारा पर पेशेंट आप अराउंड 400 रुपीज है. दो ऑप्शंस है, एक जनरल कंसल्टेशन और एक स्पेशलिस्ट. जनरल कंसल्टेशन इज बाय एन MBBS डॉक्टर, इफ यू ऑप्ट फॉर इट उसकी फीस है 150 रुपए. और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है जो इट इज अ फ्लैट रेट अक्रॉस ऑल स्पेशलिटीज, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा, दैट इज 500 रुपीज. रचिता, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डिमांड तो है आपके प्रोडक्ट की, पर आते हैं अब सप्लाई साइड पे, है ना, ये डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? क्यों डॉक्टर, एक शहर का डॉक्टर कुछ जो भी आधा घंटा जितना भी देर का कंसल्टेंसी हो रही है वो ये 150 में से भी उसको एक सर्टन अमाउंट ही मिलेगा, वो अपना टाइम क्यों देना चाहेंगे? ठीक है, सो लेट मी आंसर. आई नो, आई अग्री कि कोई लेमैन जाके डॉक्टर से बात करता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज डॉक्टर इज नॉट गेटिंग कन्विंस एंड वो नहीं आना चाहता है. बट जब देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर और व्हेन द प्रमोटर एंड द फाउंडर इज अ डॉक्टर, इट इज ईजियर फॉर द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो एंड दे विल कम. सेकेंडली, हम लोगों का उबर मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं ओवर द एप्लीकेशन. दिस इज वॉट वी आर गेटिंग इट कन्वर्टेड द एप्लीकेशन इन टू. सो उसमें यह है कि अगर पेशेंट आता है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई. सो जो जूनियर डॉक्टर का कंसेप्ट है वो इसी के लिए है, क्योंकि पेशेंट को तो अभी पता ही नहीं है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है. ही इज जस्ट लाइक मेरे को पेट में दर्द हो रहा है. अब इट कुड बी अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इट कुड बी अ लिवर का डॉक्टर, इट कुड बी अ गायनेकोलॉजिस्ट इन केस ऑफ फीमेल, इट कुड बी अ किडनी का डॉक्टर, इट कुड बी मल्टीपल थिंग्स. तो वो जूनियर डॉक्टर पहले डिफाइन कर लेता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी फैसिलिटी में दिखाना है. ही विल प्रेस अप अ बटन, ऑल द डॉक्टर्स इन दैट फैसिलिटी विल गेट अ पुश नोटिफिकेशन. जो फ्री होगा विल टेक अप द पेशेंट इमीडिएटली. सो इसमें वो क्लैरिटी हो जाती है, ना आपको पेशेंट का फिक्स टाइम चाहिए ना डॉक्टर का फिक्स टाइम चाहिए. तो उस मॉडल में डॉक्टर्स आर वेरी मच हैप्पी कि मेजॉरिटी काम जूनियर डॉक्टर ने हिस्ट्री टेकिंग का कर चुका है, अब आके सिर्फ पेशेंट से बात करना है और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन भरना है कि दवाइयाँ कौन सी और इन्वेस्टिगेशन कौन से. सो जो टैट है वो 11-13 मिनट्स में टोटली डन हो जाता है. डॉक्टर विशेष, मुझे ये लगता है कि ऑनबोर्डिंग द डॉक्टर ये चैलेंज नहीं है. हाँ, नहीं इसमें मेरे को भी लगता है. सस्टेनिंग द डॉक्टर्स ये बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आज क्या होता है, अगर मैं जूनियर डॉक्टर हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाता है अगर मैं मेडी सेवा पे आ जाऊँ, ठीक है, मेरे एक और रेवेन्यू सोर्स बन गया. लेकिन धीरे धीरे अगर मुझे उतनी कमाई नहीं मिलेगी, कमाई इन द सेंस कमाई पर डे जो मैं अदरवाइज कमा सकता हूँ मेरे शहर के पेशेंट से, तो फिर मेरा इंटरेस्ट घटता जाएगा और फिर जैसे उबर का ड्राइवर आपने बोला वो ट्रिप कैंसिल कर देता है, आपके ड्राइवर कैंसिल करना चालू कर देंगे. मुझे ये लगता है विशेष कि डॉक्टर बिंद्रा जो कि मेंटोर भी हैं और वो स्टार्टअप गुरु भी हैं, वो बेहतर इसका जवाब देंगे. तो सीधे हम चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास. सर, ओवर टू यू.
धन्यवाद डॉक्टर विशेष और रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस में आप गरीब आदमी को एक अच्छा इलाज दे रहे हो। मर जाते हैं कई लोग जब नहीं होता इलाज, शहर वाला नहीं आना चाहता है गांव में, वो सफेद कोट वाला, और उस सफेद कोट वाले को आप गांव में ले आए हो। बहुत कमाल किया है आपने, क्योंकि आज 70% पॉपुलेशन हमारे देश की गांव में रहती है। 50 लाख भारतीय आज जब शरीर छोड़ते हैं तो हर दो में से एक का मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर नहीं है। ये टेलीमेडिसिन की मार्केट अभी केवल 2% इवॉल्व हुई है, 98% जाना अभी बाकी है, और जिस एरिया में जा रहे हैं गांव में अभी तो वहां बहुत काम बाकी। तो आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। आपका बेसिकली एक फ्रेंचाइजिंग और माइक्रो फ्रेंचाइजिंग का मॉडल है, हब एंड स्पोक मॉडल है, उबर लाइक मॉडल है, मेरे को अच्छा लगा मॉडल आपका। पर आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो मैंने चेक किया वो 450 रुपया है, पर वास्तव में आज देश में जो एवरेज स्पेंड है पर यूजर वो 160 रुपया है। तो स्केल करना लगेगा, थोड़ा डुएबल अगर सर्विस रहेगी अफोर्डेबल। अब मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा, बहुत काम की। आपको एक पूरा पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा जहां पे उसके पे आउट, उसकी ऑनलाइन लर्निंग, उसका लीड मैनेजमेंट, वो सब तैयार करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला ऐसा दूंगा जो गेम चेंजर है, उस फॉर्मूले को जिंदगी भर याद रखना, नंबर ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिवेटेड विलेज एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू पर विलेज एंटरप्रेन्योर, वहां से सारा गेम आएगा। वैसे आसान नहीं है जगह बनाना, पर जो आपने सोचा है उसको लगन से कर जाना। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात, तो डॉक्टर बिंद्रा ने जो कुछ कहा आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिल गया होगा वहां से। बिल्कुल यामिका, सबसे पहले आप ही से ये पूछना चाहूंगी, बहुत मुझे इंटरेस्ट है इस डील में, तो हाँ या ना? सीधे सीधे अगर हाँ है, बट जो वैल्यूएशन है अभी उस पे थोड़ा डिस्कशन होना बाकी है। एक बार रिवाइज करेंगे क्या वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन के बाद सेल्स के नंबर, एक बार नंबर्स रिवाइज कर लेते हैं, क्या ट्रैक्शन है और क्या वैल्यूएशन है। फ्रॉम द हॉर्सेस आवर रिक्वायरमेंट इज 1.15 करोर्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोर्स, तो जो 35 लाख एट व्हिच वी रेज्ड 35 लाख, और सेम वैल्यूएशन, सेम वैल्यूएशन, और 8,50,000 रेवेन्यू है आपका, 8,30,000 के आसपास। हाँ हाँ, तो ये क्या ग्रॉस रेवेन्यू होता है, इसमें से डॉक्टर का कमीशन जाता है या क्या है? ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस क्या है, बचता कितना? 5 सेंटर से, राइट? तो अराउंड 3-4 लाख रुपीस हम लोगों ने नेट जनरेट किया। तो आपका डॉक्टर पे आउट वॉज 55% एंड 45। हाँ, तो ये अभी मुझे बताइए, 3-4 लाख का रेवेन्यू एक तरफ और 20 करोड़ का वैल्यूएशन एक तरफ, ये कैसे मैं अभी क्या फॉर्मूला लगाऊं इसमें? सर मैं बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस टू ड्रीम्स, दैट्स द मल्टीपल, नो, एंड देन देयर इज अ प्राइस टू डू मिस्टेक्स आल्सो, बिकॉज़ इन्होंने काफी, यू विल बेयर दैट ट्रायल एंड एरर, यू विल बेयर दैट प्राइस टू मिस्टेक्स, मैं क्यों बेयर करूं, प्राइस टू मिस्टेक हमारा, प्राइस टू ड्रीम एंटरप्रेन्योर का। नहीं बताइए, आपकी सोच बताइए, 4 लाख और 20 करोड़ का फासला मैं कैसे तय करूं? सो 20 करोड़ का ये है कि ये सेंटर्स जब खुलेंगे, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड है, तो ये सेंटर्स जब तक खुलते जाएंगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। मंदार, यू हैव टू से समथिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस डील, आपको ये डील करनी है तो फिर वैल्यूएशन पे बात करेंगे, ठीक है? मंदार को समय चाहिए, यू हैव टू रियली वर्क ऑन द टेक स्टैक। या सो आई लाइक व्हाट यू आर बिल्डिंग, आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट, आई एम इंटरेस्टेड, but I'm definitely not interested at this valuation. And I think aapko bahut sara kaam karne ki zarurat hai. This is not an easy space to crack at all. I work in the social sector, in the rural sectors. Ye easy nahi hai. Teen horses ne keh diya hai ki reasonable interest hai, valuation par unko question mark hai. अंकिता, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इट इज़ मच नीडेड, पर इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, विच एंड आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी, योर टेक स्टैक नीड्स टू बी रियली रोबस्ट, तो अगर आप उस पर बिल्ड करें और यू नो कुछ हमको रोबस्ट दिखाएं, आई विल बी इंटरेस्टेड एंड एट अ गुड वैल्यूएशन, बिकॉज वील हेल्प यू बिल्ड दैट, तो आप यू नो उस तरफ अगर आप जाएंगे हमारे साथ, आपके लिए एक डील बन सकती है। मोहित, यू वर सेइंग समथिंग, मोहित यार, यू नो मेरे लिए थोड़ा धर्म संकट है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे दोस्त यहाँ पे कोई डील बना रहे हैं, तो ये खिचड़ी जो पक रही है तो उसमें मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट ना रह जाए, तो मैं भी फिलहाल सिर्फ देख रहा हूँ कि मंदार जी क्या वैल्यूएशन नंबर पे आते हैं। बी रेस्ट अश्योर्ड, मैं उन हॉर्सेज में से नहीं हूँ या मैं उन इन्वेस्टर्स में से नहीं हूँ जो आपकी कंपनी को आपसे ज़्यादा चलाना चाहते हैं या ज़्यादा ओन करना चाहते हैं, तो अगर वो वैल्यूएशन जो कहते हैं मुझे लगता है कि फेयर है दोनों तरफ पे, तो मैं उसमें शायद आऊँगा, वरना मैं कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिल्डिंग,
और मैं बाहर रहूंगा। सो हॉर्सेस, फाइनल ऑफर आप लोगों की तरफ से क्या है इनके लिए? मैं बात करता हूँ जी। मेरा फाइनल ऑफर है 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, मैं और हम दोनों 25-25 लाख देंगे, 50 लाख। आरती और अंकिता अगर शामिल हो रहे तो वी लैड मोर कैन बी हियर मोहित इफ यू वांट्स टू, ही इज ऑफरिंग समथिंग सिंस मंदार सर हैज ऑलरेडी गिवन हिज ऑफर। मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा ऑफर, ज्यादा अच्छा ऑफर मोहित देने वाला है, अब भूल जाओ। I would never take that deal. If I was you, I would never take that deal. This is none of your business. I'm giving an offer. Which is 40% higher than whatever he says. If he says 5, 40% higher than that. If he says 10, 40% higher than that. I'll not let him take it. Okay? Whatever amount you want, 40% higher than whatever Mandar decides the value. So, le lo. मुझे लगता है डॉक्टर यश और आप दोनों डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, एक बार डिस्कस करिए उनसे वैल्यूएशन फाइनली, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए। बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। स्माइल भी कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है। डॉक्टर बिंद्रा ने क्या कुछ गुरु मंत्र दिए? बिल्कुल, गुरु मंत्र काफी दिया एंड उनसे बात करके एक मॉरल तो काफी बूस्टअप हो गया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। हमसे बात करके मॉरल डाउन हो गया, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो 90 पे पहुंचा था, अभी 100 पे पहुंच गया है। बिंद्रा जी सुन रहे हैं ना, 90 तक हम लेके आए थे, आपने सिर्फ इंक्रीमेंटली 10 किया है। तो मिस्टर बिंद्रा से हमने डिस्कशन किया तो हमारी जो इनिशियल वैल्यूएशन थी 20, उससे फिर उन्होंने पहले 18 सजेस्ट किया, फिर काफ़ी आप लोगों के डिस्कशन के बाद वी केम डाउन टू 15 एंड नाउ वी हैव स्टॉप्ड एट 12 वैल्यूएशन। मतलब सी वी वांट यू मोर, सो वी आर रेडी टू डिक्रीज द वैल्यूएशन एंड अकॉर्डिंग टू बिंद्रा सर आल्सो, मतलब गेटिंग यू इज मोर इम्पॉर्टेंट। गाइज लिसन, आज थोड़ा डील करने का मन कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सी डील बनाते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आपको आप शामिल होना चाहते हैं इस डील में मेरे साथ? मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो 12 जो मैंने उनको भी सजेस्ट किया है, दिस इज अ वेरी फेयर आस्क। आपको आगे आना चाहिए मोहित जी, आप आगे आएंगे तो मुझे लगता है बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, बट मेरा सवाल आपसे ये था कि कैन आई गेट यू इन दिस डील? ठीक है, आई एम देयर विद यू। आप लोगों की मार्केटिंग का स्पेंड पार्टनर कीजिए सर हमारे। इफ यू आर देयर आई एम कमिंग। बिंद्रा जी एक मिनट सुनिए, आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है? अराउंड 20%। 20%, ठीक है। तो आप एक 1.15 करोड़ रेज कर रहे थे, उसका 20% कितना हुआ? 22 लाख रुपए, ठीक है। समझिए, अगर डॉक्टर बिंद्रा आते हैं तो आपको 22 लाख रुपए देने के वो नहीं देंगे, ठीक है, पर वो मार्केटिंग का सारा जज्बा उनके हाथ में, ठीक है। डॉक्टर बिंद्रा, दिस आई एम प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ सर, आई एम विद यू। आपसे ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग कोई नहीं कर पाएगा रूरल इंडिया में। मंदार ने 5 कहा था, मैंने 7 कहा था। बिंद्रा सर तो हमारी टीम में आ गए हैं, तो वो 12 का नंबर अभी सैक्रोसेंट नहीं रहा। 9 करोड़ पे कैन वी हैव अनदर कंसल्टेशन? अब तो हमारी टीम में आ गए, डिसीजन लेने का टाइम है अभी। बिंद्रा जी हमारे साइड पे, आप मिसेस झा से कर सकते हैं कंसल्टेशन अगर करना चाहे तो। बट पैसे आपको यही देंगे, कंसल्टेशन ठीक नहीं है। मैं आपको मोरल सपोर्ट दे सकती हूं, अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बिंद्रा जी के साथ नहीं कर सकते। कंसल्टेशन अब ठीक नहीं है मेरे साथ, यू शुड नॉट कम टू माय रूम नाउ सर। उसको 12 बहुत रीजनेबल है, आप लोग 9 बोल रहे हैं, मैं 12 बोल रहा हूं, मैं 20 से 12 तक। हम आलू प्याज थोड़ी ना खरीदने आए, हम तो 5 से 9 तक आ गए। 9 आपने 9 बोल दिया क्या? 9 बोल रहा है। स्टार्टअप गुरु भी मिल रहे हैं अब तो। डॉक्टर विशेष, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूं, ये पिछले सीजन में मैं किसी भी स्टार्टअप में ऑन बोर्ड नहीं हुआ था, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूं, 5 करोड़ का हमारा सब्सक्राइबर बेस है और आज हमारा 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है,
आप ये 2-4-5 crore का डिफरेंस मत देखिए, 9 crore में इमीडिएटली यस करिए, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डील फॉर यू. आई विल इंश्योर, आई विल पार्टिसिपेट. जब मैं हाँ कर रहा हूँ, आई एम ऑल आउट टू सपोर्ट यू. ये अमूल्य डील है इनकी, ये मतलब दिस इज अ मैच मेड इन हेवन. ऑफ कोर्स यू गाइस आर मैरिड, तुम्हारी तो मैच है ही हेवन में, बट ये जो सेकंड मैच बन रही है. अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आपस में आप दोनों बात कर सकते हैं. We cannot deny this. We have a deal. जस्ट टू समराइज, यहाँ पर हमने 9 crore पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ये डील कर दी है. आपने 1.15 crore मांगा था, हम आपको वो पूरा देने को तैयार हैं हमारे बीच में. बट अगर आपको लगता है कि आपको उतना पैसा नहीं चाहिए, आपको शायद कम चाहिए और आपको कम डाइल्यूट करना है, तो दैट इज़ फाइन. हम अपने आप में बिंद्रा जी के साथ वो फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे हमने बंटवाना है एक दूसरे के बीच में. बट दिस इज वॉट इज द करंट डील, वी अग्री टू दिस, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को आप मुकर ना जाओ, इसलिए मैं ऑन कैमरा सबके सामने कहना चाहता हूँ. Never. Never. Then that calls for a handshake. Yes, yeah, of course. सोच तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है. सोच तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है.